तो हे गाइस, वेलकम टू माय किचन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मिक्स दाल। और दाल तो हमारे घर में हमेशा सबकी बनती है। आज थोड़ा सा दाल में ट्विस्ट करेंगे। तो मैंने ट्विस्ट किया है कि दाल में हम पालक और मेथी डाल के बनाएंगे। तो इसके लिए जो कुछ भी चाहिए, मैंने सब कुछ पहले से रेडी करके रखा है। ये दाल, मिक्स दाल रखी है मैंने, इसको मैंने पहले ही मतलब आधा घंटा भिगो के रखा था। 2 कप दाल ली है मैंने, और ये पालक ली है थोड़ी सी मेथी ली है, धनिया पत्ती, थोड़े मसाले, और ये जो भी हमें तड़के के लिए सामान चाहिए तो वो थे। तो चलो फिर बनाना शुरू करते हैं। देखो, हमने कुकर में डाल दिया है, इसमें मैंने 2 कप पानी डाल दिया है। तो इस पहले हम दाल को बॉईल करेंगे, फिर तड़का देंगे। पहले इसमें हमें मेथी डाल देंगे, ऐसे कच्ची काट के डालनी है। पालक और मेथी इसमें हम ऐसे ही डाल देंगे काट के। और ये जो तड़के का सामान हमने काट के रखा है, इसमें जो लहसुन है इसकी थोड़ी सी कलियां हम इसमें दाल को बॉईल करते समय डालेंगे। बाकी तड़के इससे जो है इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसके बीच ही हम जो मसाले ऐड करने हैं वो भी ऐड कर देंगे। अभी हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, और नमक अपने टेस्ट अनुसार, जितना आपको टेस्ट अच्छा लगे, ज़्यादा भी नहीं डालना। और 1/2 चम्मच धनिया पाउडर। तो अभी इन सब चीज़ों को मिक्स करके इसकी हम 4 सीटी लगाएंगे, जब तक दाल अच्छे से गल नहीं जाती, और फिर उसके बाद हम इसको तड़का देंगे। तो दाल हमारी बन चुकी है, दाल को मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है, अच्छे से ये पक चुकी है। तो अभी हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने पैन ऑलरेडी उस गैस पे ऊपर रख दिया है। इसमें अभी हम डालेंगे ऑयल, तेल गर्म हो चुका है, अभी इसमें राई और हींग डालेंगे। अभी हम इसमें कड़ी पत्ता, प्याज, हरी मिर्च, इस सब कुछ डालेंगे। अभी इन सारी चीज़ों को अच्छे से गोल्डन होने तक अच्छे से इसको पकाएंगे, फिर इसमें टमाटर डालेंगे। प्याज हमारे अच्छे से भुन चुके हैं, अभी इसी स्टेज पे हम इसमें टमाटर डालेंगे। अभी टमाटर को भी अच्छे से हमने पकाना है। तो मसाला हमारा अच्छे से कुक हो चुका है। तो अभी हम जो हमने दाल बॉइल करके रखी है, तो अभी इसमें डाल देंगे। दाल को थोड़ा पतला रखना है, ज़्यादा थिक दाल अच्छी नहीं लगती। तो ये सारी दाल मैंने इसमें मिक्स कर दी है। तो दाल हमारी बिल्कुल रेडी है। इस पर हम हरा धनिया डालेंगे, बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो दाल हमारी बनके रेडी है बिल्कुल। तो हमने इसको सर्व कर दिया है। तो आप इसको रोटी या चावल के साथ खा सकते हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।